बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ उस रेसिपी का नाम है आलू की ताहरी। ताहरी बनाने का हर एक का अपना एक स्टाइल, अपना एक अंदाज़ होता है। मैं जिस स्टाइल में बना रही हूँ, ये स्टाइल मेरी भाभियों का है, जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही टेस्टी लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पतीले में लिया है एक कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। इस ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी। ऑयल कुछ गर्म होने के बाद मैं इसमें 5 अदद कटी हुई प्याज, जो कि स्लाइस में काटी हैं, ये डालकर फ्राई करूंगी और उनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। प्याज को कुछ देर गर्म हो जाने देती हूँ, उसके बाद मैं इसे हिलाऊंगी और इसे गोल्डन ब्राउन करते हुए इसको बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करके अलहदा कर लेना है। ये देखिए आगे प्याज ब्राउन हो गई है हमारी। अब हम इसे सारी प्याज को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए आगे प्याज को हमने ब्राउन करके निकाल लिया है। अब हम इसे अलहदा रख देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे अब आलू। इसी गर्म तेल में तेज आंच में हमें फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये तकरीबन हमने आधा किलो आलू लिए हैं, जिसको कि हमने इसी ऑयल में ब्राउन करना है। इनको ब्राउन करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे ब्राउन करके ही निकाले जाएंगे। ये देखें अभी आलू को अच्छा कलर आ चुका है और ये इसमें अच्छे फ्राई भी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में अलहदा से निकाल लूँगी। देखें अभी आलू फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें अलहदा रख दूँगी और दूसरा जो इसमें काम करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी मैंने घी को गर्म ही रहने दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन, जिसको हमने कूट लिया है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक। दोनों चीज़ों को कुछ देर के लिए पकाकर और इसके साथ में डालूंगी ये हरे टमाटर, जो कि मैंने 5 अदद लिए थे, इनको पीस लिया है, ये इसमें साथ ही मैं शामिल कर दूंगी। और इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ये 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। इस रेसिपी में लाल मिर्च का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा और ना इसमें हल्दी जाएगी।
इसके साथ ही मैं इसमें गरम मसाला जो कि साबित है, जिसमें मैंने दालचीनी ली है 4 टुकड़े, 7 से 8 लौंग, हरी इलायची 4 से 5 अदद, 2 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है, थोड़े से मैंने तेज़पात, 1 टी स्पून ज़ीरा लिया है और 1 बादियान का फूल लिया है, जो सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इस मसाले को चलाते हुए अब इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही मैं हसबे जायका नमक जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है ये शामिल कर दूंगी। नमक मैंने इसमें सिर्फ मसाले के मुताबिक लिया है, जब हम चावल डालेंगे उसके साथ उसका अपना नमक डालेंगे। ये देखिए राम जी, मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें चावल के मुताबिक इसमें पानी ऐड करूंगी। ये तकरीबन 1.5 किलो पानी मैंने डाला है क्योंकि मैंने चावल 1 किलो लिए हैं। ये देखिए मैम, पानी में उबाल आ गया है, तकरीबन मैंने ये इसमें 1.5 केजी पानी डाला था। ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिनको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था और अब मैं इसका पानी निकाल कर इसके अंदर चावलों को डालूंगी। ये देखिए मैं अभी मैंने चावल डाल दिए हैं, अब मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करूंगी। ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब मैं इसमें उबाल आने का इंतज़ार करूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें ना जी, चावल में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें ये जो आलू फ्राई करके रखे थे इनको ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें आलू बुखारे जो कि मैंने 7 से 8 लिए हैं ये डाल दूंगी और इनको हल्के हाथ से मिक्स कर दूंगी। इनकी आंच को थोड़ा सा कम करते हुए मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने ब्राउन करके प्याज निकाली थी अलग-अलग से, इनको ऐड कर दूंगी। और खुशबू के लिए मैंने ये 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच से काट लिया है ये डाल दूंगी। इन चावलों को आहिस्ता से हमें चलाना है चम्मच से। ये देखिए नाजिम, तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखूंगी धीमी आंच में, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भूल गई थी इसलिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना
एक गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है और आधा गड्डी मैंने इसमें पुदीना लिया है, इसको भी मैं इसी में ही शामिल करूंगी, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मैं इसे थोड़ा सा हिला देती हूँ। ये काहरी किसी बिरयानी से कम नहीं लगेगी आपको, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब हम इसे दम पर रखने लगेंगे तो इसमें साथ ही थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल देंगे। और अब मैं इसे दम पर रखूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, इसको मैं दम दूंगी, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, हमारी आलू की तहरी तैयार है, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।